ये कभी मेहरबान है आपका मेहरबान है, ये कभी मेहरबान है आपका मेहरबान है। मुझे खुशी से खुद दुआ था, मुझे खुशी से खुद दुआ था, मैं खुशी से खुद चला था, मैं खुशी से खुद चला था, तेरी बंदगी में चला था, तेरी बंदगी में चला था, भगवान की पूजा के पहले हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और मैं तुलसीदास जी की बात करूं, मैंने आपको पहले भी कहा है, कहते TULSI तुलसी है ना, तुलसी इज़ ग्रास, तो TS टेंशन और यू एज इन अनअवेयरनेस और एल लेजीनेस, एस सॉरो, आई इग्नोरेंस, क्या है। लेकिन माता जी की पूजा की, मंदिर में आए, भजन किया, तो टी एज इन ट्रुथ, टी फॉर ट्रुथ, U for upliftment, L for love, S for smile, और I for immortality, अमरत्व। यह है पूजा का चमत्कार। कोई कहे कि क्या करते हो मंदिर में जाके, क्यों जाते हो, क्यों बैठते हो, क्यों खड़े होते हो, क्यों धार चढ़ाते हो, तो कह सकता है, तो जब आप धार चढ़ाते हो, कंसंट्रेट होते हो और वो जल जब गिरता है तो वो देखो जैसे जल की धारा कंटी आप धीरे धीरे चढ़ाते हो, ऐसे नहीं फेंकते, क्योंकि थोड़ा आप लोग बड़े ध्यान और पीछे वालों का थोड़ा ध्यान रखते हैं कि वे पीछे वालों को देर ना दे जल्दी से फेंक दें। लेकिन धार का मतलब है छोटी छोटी धार, और धार में अपने आंखों को भी देखते धार कैसे जा रही है, कंसंट्रेट उसमें देखो। संस्कृत में जो कंटिन्यूटी है ना, जो पानी की जो कंटिन्यूटी है, आप मंदिर में बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए मन लगा वहां माता के दर्शन, और थोड़ी देर में पहुंच गया फिर वहां घर में, फिर पहुंच गया पीजी में, बैठे मंदिर में और मन पहुंच गया वहां। एक बार हम लोग भी क्या करते हैं, माला जपते हैं, एक महात्मा कहते थे, अरे कहीं तेरे मनवा, कहीं तेरे माला, ऐसी भक्ति से प्रभु नहीं मिलने वाला, कहीं तेरे मनवा, कहीं तेरे माला, ऐसी भक्ति से प्रभु नहीं मिलने वाला, कहीं तेरे मनवा, कहीं तेरे माला, कहीं तेरे मनवा, कहीं तेरे माला, ऐसी भक्ति से प्रभु नहीं मिलने वाला, ऐसी भक्ति से प्रभु, ऐसी भक्ति से प्रभु नहीं मिलने वाला, ऐसी भक्ति से प्रभु नहीं। आप जल की धार चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं तो उसको मिला जी बताएंगे आपको, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है जो आपकी आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए। तो धारा जो जल की धारा जो कंटिन्यूअस जो बहती है, आपकी और हमारी जो मनोवृत्ति इस समय है, एक महात्मा कहते थे, भोजनांते मैथुनांते शमशाने यावती सा मतिश्चेत सर्वदा स्यात् कौनमुच्चेत वंदना। भोजन भोजन के बाद, मैथुन के बाद और श्मशान में जहां डेड बॉडी जलाते हैं, इन तीन जगह जो हमारा मन जैसा होता है, बिल्कुल भोजन करने के बाद अब ऐसा लगता है अब दुनिया में कोई भूखा नहीं है, तो हमारे पड़ोस में कोई भूखा बैठा हो, भोजन के बाद बड़ा मजा आ गया, आनंद आ गया, अब कुछ नहीं।
अब हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया की कोई चीज, शाम को भी मिलेगा देखा जाएगा शाम को कौन, अब तो फिर घर क्या। ऐसे ही श्मशान में जाकर देखते हैं हम कि जल रहा है, हम भी ऐसे जल जाएंगे, और ऐसे जब देखते हैं तो हमको क्या होता है, हर जरे जो लाकड़ी फिर से जरे जो घास, सब जग जलता देखते भयो कबीर उदास। कैसा बढ़िया मन होता है। तो कहते हैं वो धारा जो लाते हैं ना आपकी हमारी पूजा में मन, तो ये माता जी ये धारा थोड़ी देर के लिए हम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो ये धारा लगातार चलनी चाहिए। जैसे जल की धारा बहती है तो हमारे पास उतना जल तो है नहीं, गंगा जी, गंगा जी बह रही है, कंटिन्यूअस बह रही है। ऐसे हमारी जो मन की वृत्ति है, तो संस्कृत में जो पतंजलि ऋषि ने जो योग शास्त्र लिखा है, योग शास्त्र का सूत्र है मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, तो तत् प्रत्येकदानता ध्यानम। मेडिटेशन को अंग्रेजी में ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन ध्यान को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, संस्कृत में उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान माने जो धारा लगातार एक जैसी विचारधारा, धारा माने विचारधारा, जो विचारों की धारा है, थॉट्स की जो धारा है वो कंटिन्यूअस रहे, बदले नहीं। माता जी का चिंतन होगा तो वही होता है, और व्यर्थ की बातें मन में न आए। हमारे महात्मा कहते हैं देखो आप आते हो यहां, इफ समवन हर्ट्स यू, आपको कोई हर्ट करे तो क्या करोगे, लड़े जाओ। इफ समवन हर्ट्स यू इग्नोर इट, इफ कैन नॉट इग्नोर फॉरगेट इट, इफ कैन नॉट फॉरगेट लाफ एट इट, हंसो। इग्नोर करे तो इग्नोर करो, नहीं इग्नोर कर सके तो भूल जाओ, नहीं भूल सकते तो कहते हंसो इस पर, कोई बात नहीं, आपको किसी ने हर्ट किया हंसो। लेकिन इफ कैन नॉट लाफ तो कहते हैं, इफ कैन नॉट लाफ एट इट देन यू डिजर्व इट। और क्या हमने, क्योंकि हमें उन विचार व्यर्थ की बातों को छोड़ना है, और नहीं छोड़ना तो हम डिजर्व करते हैं तो रोते रहेंगे, फट होते रहेंगे। इसलिए आप मंदिर में बैठे हैं, आपको इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ के और माता जी के डिवोशन में, माता जी की भक्ति में, माता जी के मंदिर में बड़े प्रेम से आना है। और आज की जो देवी है, मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं।